रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली माय स्वदेशी तकनीक की तीसरी लिस्ट करी जारी। कया भारत रक्षा खेतर माय आत्मनिर्भरता रे साथ बढ़ रही है आगे। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई नई दिल्ली माय राज्य राज सांसद सु करियो संवाद। केंद्र री जन कल्याणकारी योजना वा अर प्रदेश का ज्वलंत अर जनहित सु जुड़िया मुद्दा माते करी चर्चा। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज, जयपुर माय युवा स्वस्थ रहवा रोलिया संकल्प। मुख्यमंत्री कया स्वास्थ्य सरकार री पहली प्राथमिकता। चिकित्सक स्वस्थ शरीर खातर स्वच्छ जलवायु माते दीना जोर। नव संवत्सर माते उपद्रव रे पच्छे करौली माए अब हालात नियंत्रण माए। कर्फ्यू माए दीगी 2 घंटा री ढील। आमजन ने मिली राहत। घटना माए पुलिस 22 लोगा ने करियो गिरफ्तार। इंटरनेट माते रोक जारी। दौसा माए सरकारी विद्यालय माए पोषाहार रे पच्छे टाबरारी बिगड़ी तबियत। मेडिकल टीम करियो इलाज। जिला शिक्षा एहलकार मांगी मामला री रिपोर्ट। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके साथ अनुजार। चलो खबर जोवा विकतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नवी दिल्ली माए स्वदेशी तकनीक की तीसरी लिस्ट जारी करी। इन सुनिर्धारित टाइमलाइन माए घरेलू विक्रेता सु उपकरण खरीदिया जावेला। वणा कया के भारत क्षमता रा विकास रा संकल्प रे साथ आगे बढ़ रो है। आज रक्षा खेतर रो दायरो बढ़ गयो है। वणा इनने आत्मनिर्भरता री कहानी बढ़तो कदम बताया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय स्वदेशी तकनीक से निर्मित 101 रक्षा उपकरणों की प्रणालियों की तीसरी सूची जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में उन प्रमुख उपकरण क्षेत्र वाली तीसरी सूची उन्होंने जारी की जिनका दिसंबर 2025 तक का पूरी तरह से स्वदेशीकरण किया जाना है। तीसरी सूची में शामिल वस्तुओं के तहत अगले 5 वर्षों में उद्योग को 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर दिए जाने की संभावना है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित तकनीकों को निजी कंपनियों और स्टार्टअप को हस्तांतरित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक स्वदेशीकरण की तीसरी सूची जारी करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। आज 101 डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की 3rd इंडिजनाइजेशन लिस्ट राष्ट्र के समक्ष जारी करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इस लिस्ट का जारी होना मतलब रक्षा क्षेत्र में हम और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की दृष्टि से। इसके लिए मैं रक्षा मंत्रालय और इससे जुड़े समस्त स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में DRDO ने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं और आज उसको PSUs को और साथ ही साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी ट्रांसफर किया गया है। तो इन टेक्नोलॉजीज का जिन लोगों ने इजाद किया है तैयार किया है ऐसे सारे साइंटिस्ट को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 90 के डिकेड में 90 के दशक में जब हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी तब हमने इसे बाहर से खरीदने का फैसला किया था पर उस समय तमाम कारण बताते हुए हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया था। उस समय भी पुणे के सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जिसे हम CDAC कहकर पुकारते हैं CDAC के हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके अपना खुद का सुपर कंप्यूटर परम इजाद करने में कामयाबी हासिल की थी और इसका लेटेस्ट वर्जन आज दुनिया के पावरफुल कंप्यूटर्स में से एक है। और यह विज्ञान के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि नई जागृति थी और एक संकल्प था जिसकी हमें सिद्धि प्राप्त हुई है। इसी तरह 2 और उदाहरण देखें। हमारे देश को लंबे समय तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं दिया गया। पैक्स पॉलिसीज और ट्रीटीज के नाम पर दुनिया में ऐसी लॉबिंग की गई और लंबे समय तक वह लॉबिंग चलती भी रही जिसने हमें न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी।
मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सभी ये बातें जानते हैं, पर इसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने अपने कठिन परिश्रम और लगन से ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप हासिल की जो दुनिया के सामने आज एक उदाहरण के रूप में उपस्थित है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भागीदारी डिफेंस सेक्टर में अधिक से अधिक हो, इसके लिए सरकार ने डिफेंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक निश्चित हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दिया है, यानी वर्ष 2022-2023 के लिए यह 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ का कर दिया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि पहली और दूसरी इंडिजनाइजेशन लिस्ट के आधार पर अब तक 54,000 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है और 4.5 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर अगले 5 से 7 वर्षों में दिए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 हिस्सा इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट करने और एफडीआई बढ़ाने और आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कार्पोरेटाइज करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं जो हमारी सरकार, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी इंडस्ट्री, स्टार्टअप और इनोवेटर्स सभी के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी री राजस्थान इकाई नवी दिल्ली में राज्य राज सांसद सू संवाद करया। इन बगत केंद्र री जन कल्याणकारी योजना सांसद निधि री काणी सू कराया जा रहा विकास काम प्रदेश राजवलंत अर जनहित सू जुड़िया मुद्दा माते चर्चा करेगी। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल अर कैलाश चौधरी सहती सांसद अर आला नेता मौजूद रहा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके आज प्रदेश में कई कार्यक्रम कराया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा री काणी सू जवाहर सर्कल माते आयोजित कार्यक्रम में मोटी तादाद में लोग खासकर छोरा छोरी भाग लेना। इन मौके प्रतिभागिया ने स्वस्थ और तंदुरुस्त रहबा खातर रोजीना कसरत करबारो संकल्प दिलायो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य दिवस के मौके निरोगी राजस्थान रो नारो देवता व्या कया के राज्य सरकारी प्राथमिकता लोगारो चोखो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान चाहते हैं, पूरा देश में सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है भौगोलिक दृष्टि से भी। पानी तो 1% ही है यहाँ पर, परंतु भूभाग जो है वो 10% है देश का, आबादी 5-5.5% है। लोग ढाणियों में गांव में रहते हैं, तो इतने बड़े प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। दूर दूर से लोग आते हैं, पैसा नहीं होता है, उधार लेके खर्च करते हैं, टॉप प्रायोरिटी भी डाल रखा हम लोगों ने। इसीलिए आप देख लीजिए कि जो प्रोविजन किया गया है उसके अंदर मैंने प्रोविजन बजट का आप देख लीजिए करीब 7.6% किया, जबकि एवरेज राज्यों में 6% है। तो सब तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाओं की निरोगी राजस्थान का कंसेप्ट है वो, प्रिवेंशन और मेडिसिन, मेडिसिन लेने जरूरत नहीं पड़े, नौबत नहीं आए, उसके प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा बचपन से मिलने लगे बच्चों को मेडिकल के संबंध में, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पाठ्यक्रम बदलता जाएगा तो तमाम तरह कोशिश करें। इसीलिए IPD टावर, हेल्थ इंस्टीट्यूट, वायरोलॉजी लैब, जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता साथ दे रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन और अमृत ग्रुप रो जागरूकता पोस्टर रो विमोचन करया। इन मौके माते चिकित्सा मंत्री कया कि स्काउट गाइड री काणी सू विश्व स्वास्थ्य दिवस रे मौके आम जन ने बेहतर स्वास्थ्य खातर जागरूक करयो जा रहे है। वणा कया कि प्रदेशवासी चोखा खान पान रे साथे जीवन शैली में बदलाव सू निरोगी बन सके है। विश्व स्वास्थ्य दिवस माते चिकित्सक सेहत रे साथे पर्यावरण री सार संभाल करबारी जरूरत माते जोर दीना। चिकित्सकारो कहवणो है कि लाडला 2 बरस माए कोरोना महामारी स्वस्थ जीवन खातर स्वच्छ जलवायु री सीख देवे है। बना कया के शरीर ने स्वस्थ बनाया राखवा खातर ध्यान देवो जरूरी है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर दो बातें कहना चाहता हूँ। पिछले दो वर्ष से कोविड पेंडेमिक सारे विश्व में फैला हुआ था, इसने दो बातें सिखाई हैं हमको। एक बात तो ये कि स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जलवायु, पानी, हवा, प्रदूषण, इन सब का परहेज करना बहुत आवश्यक है, और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है कि इन सबको स्वच्छ रखे जिससे कि स्वस्थ रहे। स्वच्छ स्वास्थ्य का एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बहुत गहरा संबंध है, और स्वस्थ रहने के लिए ये सब प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। लोगों से अपील करता हूं, जनता से अपील करता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अभी चूंकि कोरोना थोड़ा सा कम हो रहा, लेकिन आज ही अखबार में पढ़ने को मिला था कि कोरोना का कोई नया वेरियंट आ रहा है, तो मास्क लगाना, अपनी सुरक्षा लेना, डिस्टेंसिंग करना, ये बराबर ध्यान रखें, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मरीजों प्राय देखा गया अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवा लेते हैं, कार की सर्विस करवा लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की सर्विस कोई नहीं करवाता। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस में मेरा एक जो मैसेज है पब्लिक को कि अपना भी हर 3 महीने या हर 6 महीने पर अपने रूटीन जाँचें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती जो हम चेक कराएंगे तो ही पता पड़ेंगी। बीपी चेक करेंगे तो बीपी का पता पड़ेगा, शुगर चेक करेंगे तो शुगर का पता पड़ेगा। आज के दिन हम देखते हैं आए दिन नई नई बीमारी आ रही है, जैसे कैंसर की बीमारियाँ बहुत कॉमन हो रही हैं। कैंसर की बीमारी डिटेक्ट करने के या जल्दी पकड़ने के कई सुविधाजनक हमारी जांचें होती हैं, जो SMS में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मरीज कृपया टाइम टू टाइम आए, अपनी एज के अनुसार जाँचें करवाएं, तो अपनी रूटीन जाँचें जरूरी हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी सारे मरीज आते हैं, सबको अच्छी अच्छी सेवाएँ मिल रही है, समय पर उनको सारी दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दे रही। विकलांगों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है, और काफ़ी मात्रा में हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई मिले, किसी मरीज़ को बाहर से कुछ ना खरीदना पड़े, और सब सुखी रहें, सब खुश रहें। करौली शहर में नव संवत्सर रे दिन शोभा यात्रा माथे पथराव और आगजनी की घटना रे पछे अब हालात नियंत्रण में है। कर्फ्यू रे बीच जिला प्रशासन 8:00 से 9:00 से 11:00 ताई 2 घंटा री ढील दी है, जिनमाए लोग जरूरी सामान खरीद रहा है। दवाई री दुकाना रे अलावा दूध, सब्जी और किराना री दुकाना भी खुली है, साथ ही पेट्रोल पंप भी खोला गया है। जिला प्रशासन रा इन निर्णय सु आम जन राहत महसूस करी है। जिला और पुलिस प्रशासन रो कहवण है कि वे पूरी स्थिति माते निजर बनाया हुआ है। हमारे काफी RS ऑफिसर्स हैं जिनको मैंने मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ लगाया है, उनको भी एक्टिव कर रखा है। DSO और उसकी टीम है, वो भी सारी ये देख रही है कि कोई अव्यवस्था नहीं हो। मैं खुद राउंड पे निकला हूँ, मैं पैदल भी राउंड कर रहा हूँ और गाड़ी से भी कर रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा और लोग खुश हैं। लग रहा है काफ़ी दिन से जो है बड़ी बेचैनी हो रही थी, घर में घुट रहे थे और कोई सामान आवान की भी कमी आ रही थी, घर में परिवार के लिए त्यौहार का समय था और अब 2 घंटे की छुट्टी है, तो ऐसा लगा कि चलो आज पूरा कई दिन का सामान लेकर रख लें, पता नहीं आगे कितनी देर और चले क्या हो। थोड़ा सा ठीक लग रहा है, आज बाहर आ गए हैं, कुछ सब्जी दूध वगैरह आ जाएंगे। 4-5 दिन से कोई भी सामान खाने पीने का घर में आ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा संकट पैदा हो रहा है, घर में बच्चों को दूध तक नहीं है। करौली जिला माए लाड़ला दिना बाइक रैली माते हुआ पथराव सूहिया उपद्रव रा मामला माए पुलिस अबारताई 22 आरोपियों ने गिरफ्तार करी है। न्यायालय इनवाए सू 20 जना ने न्यायिक अभिरक्षा माए भेज दियो है, जबकि 2 आरोपी पुलिस रिमांड माते हैं। इन मामला माए निर्दलीय पार्षद और नगर परिषद री पहली री सभापति सैती 36 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमो दर्ज करो गयो है। घटना रे पछे अब कस्बा माए तनावपूर्ण शांति है, जबकि करौली शहर माए कर्फ्यू जारी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी काणी सू 2 बरस ताई रा टाबरा ने बीमारियां सू बचावा खातर सघन मिशन इंद्रधनुष री शुरुआत करेगी है। अभियान रा 4था चरण ने ले चिकित्सा महकमारी काणी सू तैयारियां कर ली की है। जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर अमन माथुर बताया कि अभियान में सगला टाबरा ने शामिल करो गयो है, जो नियमित टीकाकरण सुकीनी भी कारणवश वंचित रह गया है। एडा टाबरा रो हेड काउंट करर सर्वे करवार सूची तैयार करी जा रही है, वटे ही अभियान के तहत गर्भवती महिला ने भी टीको लगाया जा रहा है। अभियान की मॉनिटरिंग ने लिए जिला स्तर माते दल बनाया गया है। होता है इसके अंदर हमने 600 कुछ बच्चों का तो टारगेट रखा है और 104 महिलाओं का हमारा टारगेट रहा है।
इसमें हम लोग लगभग 150 से ऊपर सेशन लगाएंगे और ये आज इसका चौथा पांचवा दिन है और काफ़ी सक्सेसफुली हम इसके अंदर चल रहे हैं। इसके अंदर जो भी बच्चों के दो सत्र छूटे होते हैं उनको हम टच करके कवर करके या जो पेरी अर्बन एरिया जाकि कच्ची बस्ती वगैरह हो या जो हमारे मोबिलाइज वाले एरिया होते हैं जैसे कि नटनी वगैरह ये सब होते हैं, इन सबको हम टच करने की कोशिश करते हैं इसमें और इनको हम जो हमारे सरकारी लाभ है वैक्सीनेशन है वो हम उनको देते हैं। जैसा कि विदित है कि राजस्थान में इंद्रधनुष प्रोग्राम जो टीकाकरण का राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत ही जोर शोर पे है और सरकार ये चाह रही है कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड हो, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं वो उनको भी कवर करने के लिए ये मिशन इंद्रधनुष लगाया है जिसमें हमको ढूंढ ढूंढ के बच्चों को जिनका टीकाकरण नहीं हुआ उनका करना पड़ रहा है। जेकेलोन हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे आ रहे हैं, सभी तरह की 10 तरह की वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है जो सरकार की तरफ से एक वैक्सीनेशन जैसे 1.5 महीने का बच्चा है उसके कम से कम 7,000 की वैक्सीन जो प्राइवेट वाले लगा रहे हैं वो सरकार मिशन इंद्रधनुष में फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है जिससे लोगों के ऊपर भार नहीं पड़ रहा। टीकाकरण बहुत ही सरलता के साथ किया जा रहा है, पेरेंट्स को समझाया जा रहा है कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, कौन कौन सी वैक्सीन कौन सी बीमारी को कवर करेगी ये भी समझाया जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर माते डाक महकमा रो जोधपुर जोन इंडिया पोस्ट पेमेंट स्कीम माए शानदार प्रदर्शन करता हुआ पहलो स्थान हासिल करो है। जोधपुर माए राख्या गया जड़सा माए चोको काम कर वाला डाक सेवका ने सम्मानित करो गयो। कार्यक्रम माए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रा प्रबंध निदेशक जे वेंकट रामू सेती कई आला अफसर मौजूद रहा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्ट ऑफिसेस भारत के कोने कोने में है तो ये एक ऐसा शक्ति देती है जो आज के दिन कोई भी संस्था के पास नहीं है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो अगर टेक्नोलॉजी के सपोर्ट डिपार्टमेंट को मिल गए हैं, डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी की सपोर्ट अगर मिल गई है तो जो नेटवर्क है डिपार्टमेंट की जो पोस्ट ऑफिस की नेटवर्क है उसके साथ बहुत बड़ी सेवाएं हम भारत के कंज्यूमर्स को हम उपलब्ध करवा सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं में काफ़ी सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आ गए हैं जैसा कि सेविंग्स अकाउंट्स हो या पेमेंट सर्विसेज हो मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए और ढेर सारे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम आज के दिन ऐसा कोई भी सर्विस नहीं है जो हम आम जनता को दे ना सके। जो IPBB हमारा जो पेमेंट बैंक है उसकी सक्सेस के लिए यहाँ जो भी जोधपुर ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है उनको रिकॉग्निशन करने के लिए हमने हमारे जो GDS वगैरह को जो भी उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता या थोड़ा सा प्रॉस किया उसके उनको रिकॉग्निशन के लिए उनको इनाम उस पुरस्कार किए हुए हैं। आपने देखा कि 2 स्कूटी दिए हुए हैं और बाकी लोग भी बाकी इनाम भी दिए हुए हैं, काफ़ी सारे दिए हैं। दौसा माए सरकारी विद्यालय माए फूड पॉइजनिंग ने चालता कई टावर बीमार वह गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरिया माए पोषाहार खाबारे पक्ष टाबरारी तबियत बिगड़ गई। सूचना माते मेडिकल टीम स्कूल पुगी है टाबरा रो प्राथमिक उपचार करो गयो। वटे ही 22 टाबरा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल राजावतान माए भर्ती करवाया गयो है। इन मामला माए जिला शिक्षा एहलकार प्रारंभिक कृष्णा शर्मा पूरा मामला की रिपोर्ट तलब करी है। यहाँ बड़ावों के पास भोजपुरा गांव में एक अपर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चों के पेट दर्द और उल्टी की शिकायत सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही पास में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अभी CHC बन चुका है वहाँ के प्रभारी डॉक्टर रामजीलाल मीणा जी और पूरी मेडिकल टीम वहाँ पहुँच गई और वहाँ पे करीब 22 बच्चे जिनके लक्षण थे जो 5 बच्चों को RS वैन उपचार देकर वहाँ पे ठीक हो गए बच्चे और उसके अलावा जो 17 बच्चे थे उनको जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल राजावतान में रेफर कर दिया गया है। यहाँ बाकी 2 बच्चे उनके भीख लग रही है, बाकी अन्य बच्चे खतरे से बाहर है और वो ठीक है। भारत गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व माए घटित महानतम संघर्ष माए सुवेक है।
दूरदर्शन और आकाशवाणी हर दिन स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक दर्शकों ताई पुकारियो है। आज मैं याद कर रहा है असमरी स्वतंत्रता सेनानी जो या थाउ सेन रो जो 1944 में 7 अप्रैल ने शहीद वे गए। In today's episode, we remember Assamese freedom fighter Joya Thausen, who was martyred on the 7th of April, 1944. She formed the revolutionary Dimasa Army to fight against British imperialism. Thausen was born in 1925 in North Kachar Hill, Assam. She belonged to the Dimasa tribe and openly criticized the British government's war fund collection from the Dimasa inhabited area during World War II. At the mere age of 19 years, she established the Revolutionary Dimasa Army, a party of armed activists, in 1944. Thausen was inspired by the Rani Jhansi Regiment of the Indian National Army. When the INA column was about to reach Kohima, she moved with her 54 associates towards Kohima, hoping to join it in the struggle against the Allied forces. Unfortunately, this Dimasa armed force was intercepted and ambushed near Kohima by the British-led Allied force on the 7th of April, 1944. All the 54 members of the party, including Joya, were killed on the spot before their dream of joining the INA came true. We salute the great martyrs. We also remember Indian innovator Shankar Abaji Bhise, who died on the 7th of April 1935. Born on the 29th of April 1867 in Mumbai, Bhise had an aptitude for science since his childhood. At the age of 14, he constructed a small apparatus at his home which made coal gas. He began a scientific club in Bombay and started publishing a science magazine in Marathi called Vivith Kala Prakash, through which he conveyed the importance of science to the common people. In 1893, he accepted an offer to go to England to show his inventions with support from Sayaji Rao Gaikwad of Baroda. He also drew the interests of Dadabhai Naroji and G.K. Gokhale. Bhise's most influential invention was a typesetting machine called the spasotype and later the bhisotype, which could insert blocks at 1500 to 2000 characters per hour for use in printing. The Hindu Missionary Society and several other Indian nationalist groups promoted Bhise and his talents. He was invited to several meetings where he was honored, including the Indian National Trade Congress at Madras on the 26th of December 1908. He established an Indian society in London along with his wife Sushila Bai and others like Govind Kukre and Govind Ray. Until his death, Bhise kept alive the anti-colonial spirit. In London, he joined Dadabhai Naroji in demonstrations and meetings. In New York, he championed Gandhiji's ideas and hosted visiting Indian nationalists. From India to Britain and America, Bhise merged progressive politics with science. We salute the great Indian. We also remember martyrs Sheikh Roshan and Badar Singh, who were sent to Andaman's cellular jail, Kalapani, on the 7th of March, 1859, for participating in the First War of Indian Independence in 1857. They joined hands with the independence activists and fought against the British. They also offered financial help to other people and inspired them to destroy British properties and overthrow their rule. They were caught by the company troops and accused of rebellion against the British. They were sentenced to imprisonment for life. Sheikh Roshan and Badar Singh died in Andaman Islands in imprisonment. We salute the great sons of soil. दूरदर्शन डीटीएच के जरिए 43 बिलियन घर ताई आपरी पहुंच बना चुको है। दूरदर्शन की चौकी क्वालिटी और न्यारा न्यारा चैनल आरे चलता दूरदर्शन ओ मुकाम हासिल करियो है। डीडी फिडेश की पहुंच ज्यादा ज्यादा इन डेप्थ और ज्यादा रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में, उन अर्बन टू टायर टू सिटीज में है जहाँ हमारा कॉन्टेंट ज्यादा रिलेट करेगा।
और एज आई सी ब्रॉडकास्ट में डेफिनेटली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अगले 5-7 साल ज्यादा से ज्यादा 2-tier और 3-tier सिटीज में ग्रोथ ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि टेलीविजन खत्म होने वाला है, बट वहाँ की ग्रोथ अभी भी बहुत ज्यादा है. तो डीडी फ्री डिश हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. प्रदेश में गर्मी का मौसम री शुरुआत रे साथे ही ज्यादातर ठोरा माथे पारो 40 डिग्री सेल्सियस सू ऊपर बन रहो है. पश्चिमी राजस्थान में लूरा थपेड़ा सू जनजीवन प्रभावित है. मौसम विभाग अटे ऑरेंज अलर्ट जारी करो है. मौसम महकमा आवाड़ा 48 घंटा रे दौरान तापमान माए और बढ़ोतरी रे साथ है लूरी स्थिति माए तेजी आबारी चेतावनी जारी करी है. और आज वो फिर से जोवा मोटी खबर. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नवी दिल्ली में स्वदेशी तकनीक की तीसरी लिस्ट करी जारी. कया भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रे साथ बढ़ रही है आगे. भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई नवी दिल्ली में राज्य रा सांसद सु करियो संवाद. केंद्र भी जन कल्याणकारी योजना व अर प्रदेश रा ज्वलंत अर जनहित सु जुड़िया मुद्दा माते करी चर्चा. विश्व स्वास्थ्य दिवस आज जयपुर में युवा स्वस्थ रह बारो लीना संकल्प. मुख्यमंत्री कया स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता. चिकित्सक स्वस्थ शरीर खातर स्वच्छ जलवायु माते दीना जोर. नव संवत्सर माते उपद्रव रे पच्छा करौली माए अब हालात नियंत्रण माए. कर्फ्यू माए दीगी 2 घंटा री ढील. आमजन ने मिली राहत. घटना माए पुलिस 22 लोगा ने करे गिरफ्तार. इंटरनेट माते रोक जारी. अरदौसा माए सरकारी विद्यालय माए पोषाहार रे पच्छे टाबरा री बिगड़ी तबियत. मेडिकल टीम करे इलाज. जिला शिक्षा अधिकार मांगी मामला री रिपोर्ट. अचालन बुलेटिन में एत्रोच नमस्कार.